हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाऊंगी स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल नूडल्स। रोड साइड में इस टाइप का नूडल्स तो हम लोग सब खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा खिला खिला एंड बहुत ही टेस्टी, रोड साइड से भी ज़्यादा टेस्टी हम लोग घर में भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा झंझट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट में ध्यान देना है, जैसे नूडल्स को बॉईल करने का टाइम पे। अब देखिए इतना अच्छा खिला खिला नूडल्स घर में हम लोग बनाएं, ये रोड साइड से कोई ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसके लिए पानी उबलने के लिए रख दिया, 3 बोल ऑफ वाटर लिया, पानी लिया। मैंने जो बोल में नूडल्स लिए ना, उसी सेम बोल में 3 बोल्स ऑफ नूडल्स लिया। अब जिस कप पे मेजरमेंट करेंगे उसी हिसाब से आप लीजिए। तो जैसे पानी बॉईल होना स्टार्ट करा, हम मैंने नूडल्स को इसके अंदर डाल दिया। आप देखिए 1 बोल फुल मैंने नूडल्स लिया। इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, 3 to 4 मिनट्स ही कुक करना है मीडियम फ्लेम में। आप देखिए जैसे ही थोड़ा सा इसको कलर चेंजेस हो जाएंगे ना, इस टाइम में इसको हटाना है। आप चाहे तो इसमें कोई बूंद ऑयल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला। फिर भी ये बहुत ही खिला खिला बना, क्योंकि राइट टाइम में इसको कुक करना बंद करना है। अभी इसको पानी को पूरा स्ट्रेन कर देना है और ठंडा पानी से इसको धो लेना है, और नहीं तो ऐसा ही भी रख सकते हैं। तो अभी मैंने थिक बॉटम एक पैन कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया। मैंने आयरन कढ़ाई लिया, क्योंकि रोड साइड में आयरन कढ़ाई यूज़ करते हैं, तो मैं एग्जैक्ट उसी फ्लेवर लाने के लिए मैंने आयरन कढ़ाई को यूज़ किया। उसमें ऑयल डाला और ढेर सारे गार्लिक चॉप करके रखा, उसको फ्राई करेंगे। जैसे ही गार्लिक का कलर थोड़ा चेंज हो जाएंगे, उस टाइम पे मैंने वेजिटेबल को ऐड किया। जो वेजिटेबल मन चाहे आप ऐड कीजिए। आप चाहे तो इस टाइम एग भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी आप चाहे तो इसको सब ऐड कर सकती है, तो और भी टेस्टी बन जाएंगे। तो आप देखिए इसको वेजिटेबल को मैंने हाई फ्लेम में 2 to 3 मिनट्स इसको कुक करेंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इस स्टेज में ना मैंने कोई भी मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि तब तो वेजिटेबल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी सॉल्ट डालेंगे तो वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने हाई फ्लेम में इसको सिर्फ स्टेयर करते रहना, तो एकदम बिल्कुल रोड साइड जैसे बनेंगे। अब देखिए जैसे मैं दिखाती हूँ, आधा कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है। जैसे अब देखिए दिखाती हूँ, ऐसा जैसे आधा कुक हो गई, इसी स्टेज में हम लोग जो नूडल्स बॉईल करके रखा था उसको डाल देंगे। अब इस स्टेज में आप डाल दीजिए। अब देखिए सही टाइम पे इसको डालना है, तब तो आपको नूडल्स एकदम मार्केट से भी बहुत ही अच्छा टेस्टी बनने वाला है। क्योंकि मैंने बनाया घर में, बहुत ही टेस्टी लगा, तो मैं इसलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर बनाइए। तो इस टाइम में मैंने सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और जो चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है रेड चिली फ्लेक्स डालने से। और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल रही हूँ, वो आपको जितना तीखापन पसंद है उस हिसाब से आप डालिए। आप चाहे तो ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, आप ज़्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। तो अभी इसको सिर्फ मिक्सिंग करना है, अभी मसाला डाल के सिर्फ मिक्सिंग करना है। जितना मिक्सिंग करेंगे आपका नूडल्स उतना ही खिला खिला बनेंगे, उतना ही टेस्टी बनेंगे। अभी मैंने रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसके साथ ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो रेड चिली सॉस डाला और मैंने सोया सॉस 1.5 टीस्पून डाला, टेबल स्पून डाला, और मैंने विनीगर भी 2 टेबल स्पून डाला। मैंने एप्पल साइडर विनीगर डाला, आपको जो मन चाहिए आप उसी हिसाब से विनीगर डाल सकते हैं। देखिए इसके स्टेप अभी मिक्सिंग करना है, लेकिन पूरा कुकिंग प्रोसेस होंगे ना हाई फ्लेम में, हाई टू मीडियम फ्लेम में, क्योंकि लो फ्लेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए कितना अच्छा एकदम मार्केट जैसे लुक्स आ रहा है ना। सिर्फ जितना मिक्स करेंगे उतना ही टेस्टी होंगे, क्योंकि हार्ड नूडल्स के ऊपर मसाला कोटेड होना चाहिए एंड वेजिटेबल इक्वली मिक्स होना चाहिए। इसी स्टेज में आप ध्यान देना है। तो अभी देखिए रोड साइड में थोड़ा सा मैंने तो सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया, आप चाहे तो इस जगह में ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड रोड साइड में जो मिलती है ना, उसमें तो वो लोग वनस्पति घी भी यूज़ करते हैं। तब देखिए कितना हेल्दी बन गई ना, एंजॉय कीजिए डिलीशियस नूडल्स।